हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे पेज नंबर 31 पर। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन मतलब जो घटाव शुरू होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे किसी भी नंबर पहला प्रॉपर्टी यहाँ देखिए दिया गया है, किसी भी नंबर में से चाहे वो कोई भी नंबर हो इसको जीरो प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर से यदि हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो जो नंबर आएगा जो आपका डिफरेंस आएगा वो ये नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ आपको लिखा गया है वेन वी सब्ट्रैक्ट नथिंग, जब हम किसी भी नंबर में से नथिंग मतलब कुछ नहीं घटाते हैं, अर्थात नथिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जीरो। ठीक है, फ्रॉम ए नंबर द डिफरेंस इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, तो जो इसका डिफरेंस आता है वो नंबर ही आ जाता है। ठीक है, आपने यहाँ देखा तो फाइव में से हमने जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, डिफरेंस फाइव आया। उसी तरीके से कोई भी नंबर आपसे पूछे जैसे 100 मान लीजिए यहाँ पर कोई है, यहाँ पर हम जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जीरो का मतलब होता है जो नथिंग कुछ भी, तो हमने जो है 112 में से कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर क्या आएगा 112 ही आएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा भी नंबर ले सकते हैं आप 200 है, अब यहाँ जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 250। तो आपने देखा किसी भी नंबर में से यदि जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो डिफरेंस आता है वो एक हुआ नंबर ही आता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमें जो आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी ये बता रहा है आपको कि किसी भी नंबर में से, ठीक है, जैसे हमने नंबर ले लिया फाइव, किसी भी नंबर में से इससे वही नंबर पर हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो जीरो आता है। ठीक है, जैसे हमने फाइव में से फाइव को ही सब्ट्रैक्ट किया तो जो ये आपका ये डिफरेंस या रिमाइंडर जो आता है क्या आता है जीरो, प्रोडक्ट आपने करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जैसे 10 - 10 करेंगे तब जीरो आएगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 121 - 121 करेंगे तब जीरो आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर में से सिर्फ कोई नंबर आप यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर आता है या डिफरेंस आता है वो हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन का। पहला प्रॉपर्टी में आपने देखा था किसी भी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करने पर इससे कोई नंबर जो है आपका आता था। यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी नंबर में से वही नंबर या डिफरेंस जो है उसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, आगे थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा जो प्रॉपर्टी है तो हमको ये बताता है कि किसी भी नंबर का जो ए आर का ये होता है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 8 - 3, यहाँ पर आ गया आपका जो रिमाइंडर आया 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी हमको ये बताता है कि द सम ऑफ डिफरेंस एंड सत्र है। देखिए ये आपका डिफरेंस हो गया, ये सत्र है हो गया, ये दोनों को यदि ऐड किया जाए, ठीक है, ये दोनों को यदि हम क्या करते हैं ऐड करते तो आपका जो सम आता है वो क्या आता है माइनस आता है। जैसे हम कहेंगे 5 + 3 = क्या आएगा बच्चों 8, ये
होता है वो क्या होता है माइनस होता है। तो आप यहाँ देख
डिफरेंस है और ये सब्ट्रैक्ट है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट दो, ये डिफरेंस है और ये सब्ट्रैक्ट है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। जब रूल आप फॉलो करिए और ठीक कर लेंगे। कैलकुलेटरी रिवीजन से क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये हमारा जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आइए यहाँ पर आपको बताया गया था इक्वेशन, जैसे 281 minus 150 = 10 पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, लेकिन ये आपका 100 का कालम, 10 का कालम और 1 का कालम, ये 1 क्या करेगा बच्चों, ये 8 के बाद में का क्योंकि 1 माइनस 6 में सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर 1 से क्या बन जाएगा 11 बनेगा और ये 8 से 1 में हो जाएगा क्या बन जाएगा 11। 11 में से हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 आएगा, और टेबल में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा और यहाँ टेबल माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, ये आपका डिफरेंस आएगा 135। ये डिफरेंस लगाएंगे और दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे बच्चों, जहाँ पर चेंजिंग 100 आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 माइनस 2 6 4, और यहाँ 3 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 से 12 लेगा, तो 12 में क्या बन जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा, और 13 और 5 क्या बन जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 15 होता है यहाँ, 13 में से 6 में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा तो 7, और यहाँ पर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2, ये आपका आंसर आएगा। और थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपको यहाँ पर आपने देखा कि चेंजिंग 100, केवल 100 का प्लेस ही चेंज वाले प्लेस को क्या किया है 12 किया है, अब यहाँ देखिए चेंजिंग 10 से 100 दोनों एक साथ नंबर देखिए आप, यहाँ यहाँ पर है जैसे यहाँ मान लीजिए आपका 5 और यहाँ देख रहे हैं 1 जो है किस चीज से बात करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ बनेगा आपका 11, 11 में से 7 माइनस कर देंगे क्या बनेगा यहाँ 4, और यहाँ 2 बचा है, ठीक है। अब 2 जो है किसके बाद होगा क्या बन जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे क्या बनेगा 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा है बच्चों यहाँ 4 बचा है, 4 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप करेगा यहाँ बच्चों चेंजिंग 100 और 10 दोनों हो रहा है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, और इसके बाद जो आप होमवर्क लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन और जो है एक्युमुलेटिव रिवीजन से रिलेटेड नोट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, Fill in the blank. Fill in the blank. ठीक है। यहाँ देखिए आप पहला क्वेश्चन पूछो, एक
करेंगे नमस्कार सब्सक्राइब करना है आपको ये होमवर्क है जो आपको बहुत क्वेश्चन दिए गए इसको आप काम करेंगे ये आज स्कूल का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है चैप्टर समाप्त हो गया है नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर